आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा कि और एम से जी हमने अंडरस्टैंड करना है ओआरएम क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। सही है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे पास कल हमने डेटाबेस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि डेटाबेस क्या है, क्यों यूज़ करनी है, परमानेंट डेटा स्टोर का क्या मतलब है, कौन कौन सी ऑप्शन एंड सो ऑन। अच्छा, आज जो हम डेटाबेस के बारे में डिस्कशन करेंगे उससे पहले एक डेटाबेस हमने आज अंडरस्टैंड करनी है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है सो ऑन। उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि डेटाबेस का इस्तेमाल वर्क कैसे करते हैं। सही है। तो एज यूजल हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्लाइंट रहते हैं, और यहां पे सर्वर है। सही है। और सर्वर के ऊपर ही आप ऐसे कर लो, सर्वर एक बड़ी मशीन है, ऐसे ही है ना। उसमें दो चीज़ें होती हैं इस बड़ी मशीन के अंदर। सही है। वो दो चीज़ें क्या होती हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। एक होता है ये सर्वर, दो सर्वर पे दो चीज़ें हमारी पड़ी होती हैं। एक पड़ा होता है हमारा बैकएंड कोड, यानी कि जो हम राउट डॉट जे एस में कोड वगैरह लिख रहे हैं, ये किधर पड़ा होता है? सर्वर पे पड़ा होता है। तो ये इसके अंदर आ गए, इसको मैं सर्वर बोल रहा हूँ। सर्वर जो कल हमने पिक्चर देखी थी ना, बड़ी मशीन, वो अब ये हम परचेज करते हैं जिस तरह हम अपना लैपटॉप परचेज करते हैं। क्लाइंट हम परचेज करते हैं ना, क्लाइंट में क्या क्या चीजें होती हैं? वेब, सॉरी, लैपटॉप और पीसी और टैबलेट, माइक, सॉरी, मोबाइल वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं वो क्लाइंट साइड पे हम परचेज करते हैं। इस तरह की मशीन हम सर्वर साइड पे परचेज करते हैं जिसको हम सर्वर बोलते हैं। सही है। ये नॉर्मली डेटा सेंटर्स में पड़े होते हैं। सही है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, जैसे गूगल का डेटा सेंटर, अमेजोन, बड़ी कंपनी जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने बड़े लैपटॉप सिस्टम लेके रख दिए। और जब भी हमें कभी अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है तो हम यहाँ से कोड जो भी हम कर रहे हैं अपने लैपटॉप से उठाते हैं और रख देते हैं डेटा सेंटर्स के ऊपर। तो इसका मतलब है वर्सल का भी कोई डेटा सेंटर होगा। जब हम अपना कोड उसको देते हैं तो वो अपने मशीन पे ले जाता है, फिर मेरा लैपटॉप बंद भी हो फिर भी मेरी वेबसाइट चलती है ना। इस क्योंकि सर्वर 24 आवर्स चलते हैं, इसकी पहली कंडीशन ही है कि 24 आवर्स चलेंगे। और क्लाइंट पे मेरे पास पीसी, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह है, उसके अंदर मैं अपनी वो सर्वर वाली एप्लीकेशन को रन करके देख सकता हूँ, यानी ब्राउजर में। समटाइम ब्राउजर में देखता हूँ, समटाइम एपीके इंस्टॉल करके मोबाइल में देखता हूँ, समटाइम मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं उस एप्लीकेशन को देखने के लिए। अच्छा, ये सर्वर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जो हम बैकएंड का कोड, फ्रंट एंड पे क्लाइंट पे वो कोड आता है जो हमने लिखा है, जो कि पब्लिक या एचटीएमएल वगैरह, वो हम ब्राउजर में रिटर्न कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कोड भी होता है जो हम सर्वर से बैकएंड को नहीं देते, वो बैकएंड पे ही रहता है और सिर्फ क्लाइंट जो है वो
बैकएंड से रिक्वेस्ट करके वो काम करवाता है, जिस तरह हमने पोस्टमैन से अपनी रिक्वेस्ट एपीआई बनाई थी। अब वो रेस्ट एपीआई का कभी कोड आया कि उसके अंदर हमने क्या लिखा है? नहीं, वो सिर्फ हमें डाटा देता है कि ये डाटा है, रिक्वेस्ट करता हूँ डाटा मिलता है, रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट में कुछ डाटा भेज सकता हूँ, रिस्पॉन्स में डाटा मुझे वापस आ जाता है। ऐसे ही हो होता ना। अब वो कौन कौन सा था डाटा मेरे पास, जो हमने रेस्ट एपीआई बनाई थी उधर से हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते थे, यानी कि पोस्टमैन वगैरह से, हम किस किस फॉर्म में डाटा इनपुट ले सकते थे? बॉडी, क्यूरी, पैरम्स, ये हमने सीखा था, ये इनपुट। और रिस्पॉन्स में हम किस तरह डाटा दे रहे थे? जेसन में। एक्चुअली अब डेटा की शेयरिंग हो रही है लेकिन कोड की शेयरिंग नहीं हो रही। लेकिन जो HTML वगैरह जो ब्राउजर में खुलती हैं उधर कोड की शेयरिंग हो रही है। सिर्फ कोड की शेयरिंग भी होती है सिर्फ गेट रिक्वेस्ट में, ब्राउजर सिर्फ गेट रिक्वेस्ट अंडरस्टैंड करता है ना, और उसमें HTML आ जाती है, बस वो नजर आ जाती है। HTML में CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह भी होती है, वो भी नजर आ जाती है। इतनी बात समझ आ गई सबको? HTML में वो सारी चीजें नजर आ जाती हैं। और सर्वर के अंदर जो कोड होता है वो बैकएंड का कोड होता है, जो हम राउट्स वगैरह डिफाइन करते हैं, और दूसरी जो चीज होती है डेटाबेस। ये दो चीजें सर्वर के ऊपर पड़ी होती हैं। सही है। अच्छा, जब हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं बैकएंड के कोड को, यानी कि राउट डॉट जेएस जब चलता है, बैकएंड का कोड मेरा चलता है, तो वो रिक्वेस्ट किसको करता है? डेटाबेस को। क्योंकि डेटाबेस हमने कल देखा था एक वो सेपरेट सर्वर होता है, सेपरेट सर्वर होता है ना डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब जो डेटा मैं क्लाइंट से ले रहा हूं वो बैकएंड के कोड तक पहुंचा, अब बैकएंड का कोड वो सेम डेटा डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को देगा ना, और डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अगर लेट्स सपोज डेटा क्रिएट करना है तो डेटा देगा, और अगर डेटा रिसीव करना है, सपोज वो गेट करना है डेटा, तो बैकएंड क्लाइंट बोलेगा बैकएंड के कोड को कि डेटा चाहिए। अब बैकएंड के कोड के पास तो डेटा नहीं है ना, डेटा किसके पास होता है? डेटाबेस के पास। तो इसका मतलब है कि ये रिक्वेस्ट आगे डेटाबेस को करेगी, डेटाबेस जब डेटा देगा इसको, वो डेटा फिर ये बैकएंड के कोड के पास आ जाएगा, और बैकएंड का कोड सेम डेटा वो क्लाइंट को दे देगा। इतनी बात समझ आ गई अब लोगों को। अब ये जो ये वाली कम्युनिकेशन हमने सीखी है, ये वाली, इसमें क्या सीखा हमने? HTTP प्रोटोकॉल, उसमें क्या था? गेट पोस्ट रीड अपडेट, डेटा रिसीव कैसे करना और कैसे कर। इसका मतलब ये वाली स्टेट भी हमें क्या करनी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी। कौन सी स्टेट? ये वाली, यानी कि डेटाबेस और बैकएंड के कोड के दरमियान की कम्युनिकेशन को भी क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। बात समझ आ गई? कि इस पार्ट को हमें सीखना है। ये जो पार्ट है ना, जो इन दोनों के दरमियान बातचीत करवा रहा है, ये कैसे होती है, ये बातचीत होती कैसे है, इसको मुझे लर्न करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अच्छा, इस लर्न करने के लिए हम ना लाइब्रेरीज यूज करते हैं, इसको इस लर्न करने के मतलब ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, यानी कि बैकएंड कोड और डेटाबेस की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, इसको सीखने के लिए, या ये कम्युनिकेशन जो चीज हैपन करवाती है, जैसे क्लाइंट की बैकएंड के साथ कम्युनिकेशन कौन करवा रहा था? HTTP प्रोटोकॉल। इस तरह बैकएंड कोड की डेटाबेस से कम्युनिकेशन कौन करवाता है? उसका एक नाम है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं? ओ आर एम। क्या बोलते हैं? ओ आर एम। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। क्या समझ में आया कि व्हाट इज ओ आर एम, क्या है, क्या करता है ये? डेटाबेस और बैकएंड के कोड के दरमियान बातचीत करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। उस कम्युनिकेशन में क्या काम होता है? डेटा डेटाबेस में क्रिएट कर दो,
डेटाबेस में से डेटा डिलीट कर दो, डेटाबेस में से डेटा अपडेट कर दो, डेटाबेस में से मुझे फलां डेटा ला के दे दो, ये कम्युनिकेशन है। और यही आपने अगर देखा होगा, यही सेम कम्युनिकेशन हमने यहां पे भी कराई थी, ऐसे ही है ना, इस वाले पार्ट में भी तो हमने यही सेम कम्युनिकेशन करवाई थी ना, वो भी यही काम कर रही थी। और इस कम्युनिकेशन को हमने क्या बोला था, HTTP प्रोटोकॉल। जो क्या करता था, क्लाइंट की बैकएंड के कोड से बातचीत करवाता था, सही है। अब बैकएंड का कोड जो डेटाबेस के कोड से बातचीत, डेटाबेस के सॉफ्ट, डेटाबेस का कोड नहीं है, डेटाबेस के एक सॉफ्टवेयर है, चलता हुआ सॉफ्टवेयर, उससे जो बातचीत करवाएगा वो कौन करवाएगा, ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ये एक लाइब्रेरी है, ये क्या है, लाइब्रेरी है। अच्छा, इसकी अब साइंस थोड़ी समझ नहीं है। अब अगर डेटाबेस है MongoDB, इसकी जो ORM है ना वो मुख्तलिफ है। देखो ना, एक 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 लाइब्रेरी है, एक एक डेटाबेस है MongoDB, उसके चलने का सारा तरीका अलग है। तो अब डेटाबेस से, इस बैकएंड के कोड की डेटाबेस से जो बातचीत है, इसका स्टाइल भी तो लेता ही होगा ना। तो वो जो ORM है वो सिर्फ MongoDB के लिए बनाई गई है, वो और किसी डेटाबेस के ऊपर ना काम नहीं करेगी। अच्छा, अगर डेटाबेस है हमारी MySQL, तो अब जो बैकएंड का कोड इस डेटाबेस से बात करेगा MySQL से, इसकी ORM की भी लाइब्रेरी क्या होगी, अलग होगी। अगर अब डेटाबेस पोस्टग्रेस एसक्यूएल आ गई और बैकएंड के कोड ने पोस्टग्रेस एसक्यूएल से बात करना है, तो ये लाइब्रेरी बीच में क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, पोस्टग्रेस वाली हो जाएगी। यानी कि डेटाबेस के बदलने से ORM की लाइब्रेरी भी क्या होगी, चेंज हो। तो अगर आपने 10 लाइब्रेरी, 10 डेटाबेसेस यूज करनी है, तो कितनी ORMs यूज करनी पड़ेंगी, 10 यूज करनी पड़ेंगी। क्योंकि हर लाइब्रेरी ने अपने, हर लाइब्रेरी का, सॉरी, हर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अपने अंदाज में डेटा ऐड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट करता है। बात समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है कि हर एक पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए एक पर्टिकुलर ORM को सीखना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ डिफरेंट ORMs होंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, वो कौन कौन से हैं ORM जो हैं, उनमें से मैं कुछ ORM के नाम लेता जाता हूं। मोंगोस, हाँ, MongoDB के लिए मोंगोज है। अच्छा, उसके बाद MySQL के लिए, MySQL के लिए SQL लाइस कुछ इस तरह करके है, SC क्या होगा शायद, सही है। और जो है पोस्टग्रेस के लिए PG एडमन, ठीक है। और कौन सी हमने देखी थी कल, फायरबेस के लिए उसका अपनी लाइब्रेरी है, उसका नाम भी फायरबेस ही है, फायरबेस वाली ORM का नाम भी फायरबेस ही है, फायरबेस एडमन बोल दो उसको। सही है। अब मोंगो, सिक्वलाइज, PG एडमन, फायरबेस एडमन, हर एक की अपनी अपनी लाइब्रेरीज और अपने अपने अलग अलग ORMs हैं। जाहिर सी बात है, जो सी डेटाबेस लगानी है उसकी लाइब्रेरी भी सीखनी है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। जितनी ज्यादा डेटाबेस सीखनी है उतनी ज्यादा ORMs भी सीखने पड़ेंगे। ORM करता क्या है, कम्युनिकेशन करवाता है डेटाबेस और बैकएंड के कोड के दरमियान, और ये एक लाइब्रेरी होती है,
ये लाइब्रेरी में क्या होता है, डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, लिस्ट ऑफ फंक्शंस, ये क्या है, लिस्ट ऑफ, मतलब हर ORM ने अपने हिसाब से, लेट्स सपोज डेटा क्रिएट करना, किसी ने क्रिएट का फंक्शन बना दिया, डेटा अपडेट करना किसी ने अपडेट का, किसी ने अपडेट मैनी, किसी ने अपडेट वन, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने फंक्शंस बनाए हुए, उनके फंक्शन को यूज करना, डेट सेट। इसमें हमारा कोई टेक्निकल काम नहीं है सीखने वाला, हमारा काम सिर्फ इतना है, डेटा डेटाबेस में ऐड करना है, तो कौन सा हम ORM, सबसे पहले कौन सी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, वो अब कौन सी कर रहे हैं, उसका ORM ढूंढना है, उसका ORM मिल गया, फिर उसका ORM कौन सा फंक्शन हमें देता है डेटा ऐड करने के लिए, उसको फाइंड करना, हमने वो फंक्शन लिखना नहीं है, वो बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कहां से निकलेगा, इंपोर्ट कहां से होगा, कौन सी ORM की लाइब्रेरी से। इतनी बात हजम हो गई, ज्यादा तो नहीं लग रहा, सही, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आ गए ORMs, और हर डेटाबेस का एक अपना ORM आ गया, सही है, इतनी बात किसी को समझ ना आई हो, डेटाबेस भी आ गई, बैकएंड का कोड आ गया, ORMs आ गया। अब एक कुछ अब ऐसे ORM बनने लग गए हैं, सही है, थोड़े डिफरेंट किस्म के, वो क्या कहते हैं ORM, जस्ट लाइक प्रिज्मा, वो कहते हैं कि मैं एक ही पर्टिकुलर कोड से, एक जब एक ही ORM है तो उसके फंक्शंस भी क्या होंगे, सेम, पर मैं मल्टीपल डेटाबेसिस को सपोर्ट करूंगा, जस्ट लाइक MongoDB, ऑल पोस्टग्रेस, MySQL एंड ऑल दोस, वन ऑफ द लीडिंग ORM इज कॉल्ड प्रिज्मा, लारावेल समथिंग एल्स, वो तो बैकएंड का फ्रेमवर्क है, वो डेटाबेस थोड़ी है, दोनों को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका ज्यादा ORM लगाना पड़ेगा, यानी कि जो इसकी सपोर्टेड सपोर्टेड डेटाबेसिस में नहीं है उसका लगा ORM यूज करेंगे। अच्छा, इसी तरह आजकल जो वर्सल यूज कर रहा है या जिसको प्रमोट कर रहा है वो क्या है, ड्रिजल, ड्रिजल आल्सो सपोर्टिंग थ्री, आई गेस थ्री डेटाबेसिस, सही है, तो हर एक का लैदा लैदा भी ORM है, वो भी काफी फेमस है, और कॉमन ORM भी हैं, तो सिर्फ ड्रिजल ओनली थ्री को सपोर्ट करता है, थ्री डेटाबेसिस को, प्रिज्मा में भी सेवन एट को करता होगा, भी हम देख लेते हैं, सही है, प्रिज्मा सपोर्टेड डेटाबेसिस, तो यहां पे लिस्ट है, ये देखें, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, उसके सारे फंक्शन, माई एसक्यूएल के सारे वर्जन, मारिया डीबी, प्लेनेट स्केल, एसक्यूएल लाइट, अरोरा डीबी, AWS सर्वरलेस, मैक्रो सेल, एसक्यूएल सर्वर, अजयोर एसक्यूएल, मोंगो डीबी एंड कॉकरोच डीबी, सही है, तो टोटल ये कितनी को सपोर्ट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, यानी कि 11 का एक ही ORM, एक ORM सीख लिया, 11 में से किसी मर्जी डेटाबेस को कनेक्ट करके उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो, फंक्शन सेम रहेंगे। अच्छा, अगर जब अगर इन इन 11 के अलावा कोई डेटाबेस इस्तेमाल करनी है तो उसका फिर लेदा ORM यूज करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, अब इतनी ज्यादा पर्टिकुलर जो है, क्योंकि अब ये 11 डेटाबेसिस को सपोर्ट कर रहा है तो इसका कोड भी 11 जितना बड़ा होगा ना, अब कोड बड़ा है तो इसका इसे साइज भी बड़ा होगा, प्रिज्मा NPM, हमें साइज भी देखना होता है ना,
तो वो कहां पे जा रहे हैं, 13 MB, देर इज अ लॉट ऑफ कोड, ये हमारे प्रोजेक्ट में साइज इंक्रीज होगा 13 MB। तो जो कि बहुत ज्यादा आप लाइब्रेरीज को सपोर्ट कर, देखो मैं यूज कर रहा हूं पोस्टग्रेस एसक्यूएल, अब मुझे बाकी 10 की जरूरत है, उनके कोड की जरूरत है, लेकिन ये कंडीशन तो बाकी 10 की भी चल रही है ना, तो टाइम का डिले आएगा, कोड भी ज्यादा चलेगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा कंज्यूम होंगे, और एज कंपेयर टू सिर्फ एक एक ही डेटाबेस का हो जाए, ओवरहेड तो ज्यादा इजी है। तो ये एक जंग चल रही है मार्केट के अंदर, कि कॉमन यूज करने जाते हैं तो हमें आसानी है डेवलपर, सही है, मतलब आसानी ये है। प्रिज्मा ये भी कहता है कि 11 डेटाबेसिस में कभी भी स्विच कर लो, आपका कोड सारा कुछ सेम रहेगा, तो कितनी बड़ी आसानी है, कि पहले हमने MongoDB यूज किया था, अब वो कह रहे हैं CockroachDB यूज करो, मसला ही नहीं, अब वो कह, अब क्लाइंट कहता है पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज करो, मसला ही नहीं, हमारा कोड सारा सेम रहेगा क्योंकि प्रिज्मा का ओरम सेम है, सब कोड नहीं चेंज होगा, सो कोड सारे प्रोजेक्ट का सेम चलता रहेगा, इवन पोस्टग्रेस में चले जाए, MySQL में, एसक्यूएल जो भी वो सपोर्टेड लाइब्रेरीज है उनमें। लेकिन इसके डाउनलोड काफी अच्छे हैं, ये देखें कितने हैं, सही है। अच्छा, इसके अगेंस्ट हम चले जाते हैं ड्रिजल ओवर, इसमें चले जाते हैं अब ड्रिजल ओवर। अच्छा, ड्रिजल ओवर काफी ज्यादा ट्रेंडी है आजकल, और नीचे इसने कंपनीज वगैरह भी लिखी हुई हैं, इसमें सारा मेंशन कर रहा है कि किस किस कंपनी ने कौन कौन सा यूज किया है ये। तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम जाते हैं, तो ये यहां पे तीन चार तीन को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सी को, पोस्टग्रेस, MySQL और SQLite। तो अगर हम ड्रिजल यूज कर लेते हैं तो इसके फंक्शन तीनों के लिए क्या होंगे, थोड़ी आसानी होगी, सेम होंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास अब ड्रिजल ओवरएम का साइज वगैरह देख लें, और डाउनलोड देखें, इसका ग्राफ देखें तो ये बढ़ रहा है ऑलमोस्ट, और अगर हम प्रिज्मा का ग्राफ देखें तो थोड़ा मेंटेन ही है, और लेकिन उसके डाउनलोड काफी अच्छे हैं, इससे तो डबल ही है। हाँ, तो वो थोड़ा डिफरेंस है, तो है काफी ज्यादा इस लिहाज से प्रिज्मा और ड्रिजल का, लेकिन इसका ग्राफ जैसे जा रहा है लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन इसका मसला यह है कि अगर हम ड्रिजल में जाते हैं तो MongoDB की सपोर्ट नहीं है, तो अगर हमें MongoDB यूज करनी है और साथ में पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी यूज करनी है, तो फिर हमें दो डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर लहदा लहदा में जाते हैं और भी फायदा है, जैसे लहदा लहदा में मैं किस में जाऊं, मोंगोज, मतलब मैं नहीं यूज करना चाहता प्रिज्मा, हालांकि प्रिज्मा की सपोर्ट है, प्रिज्मा में MongoDB की सपोर्ट है ना, लेकिन स्टिल मैं नहीं जाना चाहता, मैं जाता हूं मोंगोज में। तो इसके डाउनलोड देखें और इसका साइज देखें, तो इसका मतलब जब MongoDB में जाएंगे तो मोंगोज यूज करें, इस लाइक मोर फाइनर देन प्रिज्मा, साइज भी कम है, नंबर ऑफ डाउनलोड भी ज्यादा है, ज्यादा लोग मोंगोज को यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात, के ये चूज कर ले। लेकिन अब प्रॉब्लम चैलेंज सिर्फ क्या होता है कि अगर हमें कल को डेटाबेस बदलनी पड़ गई, डेटा MongoDB से पोस्टग्रेस एसक्यूएल, तो फिर हमें ओरएम बदलना पड़ेगा, ओरएम बदलने का मतलब ये कि कोड जीरो से लिखना है सारे प्रोजेक्ट का, क्योंकि सारा कुछ तो APIs हैं, और APIs, हर API के अंदर डेटाबेस से बातचीत हो रही है, और हर API में फिर कोड चेंज करना पड़ेगा, सही है, एक चीज जो होगी। नेक्स्ट जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि अब आप क्या चूज कर, आप आपको क्या लगता है कि हर एक लाइब्रेरी का लहदा ओरम सीखना चाहिए या कॉमन सीखना चाहिए या क्या करें? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि डेटाबेस चेंज क्यों करते हैं। अच्छा, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें ना MongoDB लेट्स सपोज हमने यूज, लेट्स सपोज हमने पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज किया था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस कोई भी बुरी नहीं है, कोई भी गलत है नहीं है, हर डेटाबेस के अपने बेनिफिट्स हैं, ऑन डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, जो जिन्होंने जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया है।
अब लेट्स सपोज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूं जिसके अंदर मोंगोडीबी ज्यादा अच्छा काम करती थी, लेकिन मेरे डेवलपर ने मुझे पोस्टग्रेस एसक्यूएल पे लगवा दिया क्योंकि उसको वो आती थी। सही है। अब जब वो प्रोजेक्ट बना तो अब पोस्टग्रेस एसक्यूएल उस काम के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो अब वो उसके एप्लीकेशन को क्या कर दिया, उसने स्लो कर दिया। जैसे गेम बना रहा था मैं, अब गेम में पोस्टग्रेस एसक्यूएल बहुत स्लो गई। अब जब प्रोजेक्ट ही बैठ गया तो अब वो पूछ रहे क्या मसला है। अब उसने कोई सीनियर डेवलपर हायर किया, वो कह रहे हैं सबसे पहले डेटाबेस ही बदलो, इसमें मेजर। अब वो डेटाबेस बदलने बैठेगा, अगर ओआरएम उसने पोस्ट पीजी एडमिन यूज किया हो तो फिर क्या होगा, सारा कोड ही दोबारा लिखना पड़ेगा पूरा प्रोजेक्ट। तो अगर प्रिज्मा यूज किया होगा तो वो एक दिन में ही हो जाएगा शिफ्ट सारा। तो अब हमने ये देखना है परफॉर्मेंस देखें या के कंपैटिबिलिटी देखें, आसानियां देखें, मतलब अब हमने चूज करना है, मतलब विन विन सिचुएशन है हर हर तरफ। तो अगर तो हमारा माइंड 100% क्लियर है कि मैंने इसी डेटाबेस के साथ चलना है, सारा प्रोजेक्ट इसी में बनाना है, तो फिर मुझे ये लगता है कि हमें हर एक की अलहदा हो रहा है ही काम करनी चाहिए। सही है। लेकिन जहां हमें लगता है यार कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वहां भी प्रिज्मा यूज कर लें। और ऐसी एप्लीकेशन जहां पे थोड़ा सा टाइम का भी एक आधा सेकंड ज्यादा कम लग जाए तो वहां पे भी फिर आसानी देख लें, प्रिज्मा यूज कर लें। नहीं, ग्राफक्यूएल का कंसेप्ट इसके बाद शुरू होता है। देखो ग्राफक्यूएल बैठा है यहां बैकएंड कोड पे, वहां पे मैं रेस्ट चलाऊं या ग्राफक्यूएल, वो इधर बैठा है। ग्राफक्यूएल ने भी डेटाबेस से तो बातचीत करनी है ना, उसके लिए भी उसने भी ओआरएम ही यूज करना है, और ये सेम ही है। यानी कि ग्राफक्यूएल का जो मुकाबला है या रेस्ट एपीआई का मुकाबला है वो इस पोजिशन पे है कि हमें ग्राफक्यूएल यूज करनी है या रेस्ट एपीआई यूज करनी है। वो है इस बैकएंड कोड के पास, इधर यहां पे। इन दोनों, ये दोनों बैकएंड कोड यानी कि वो जो एपीआई लिख रहे हैं वहां पे इसका काम है। अब इन दोनों ने बातचीत करनी है डेटाबेस से, और इनको ओआरएम चाहिए क्योंकि ओआरएम शुरू हो रहा है ना बैकएंड के कोड के बाद, दोनों को ओआरएम चाहिए। तो ग्राफक्यूएल और रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट का डिफरेंस इधर है, और ये कम्युनिकेशन के दौरान है। अगर रेस्ट एपीआई है तो वो एचटीटीपी के थ्रू चल रही है रेस्ट एपीआई, और अगर ग्राफक्यूएल है तो उसने अपना प्रोटोकॉल से वो चल रहा है सेटअप किया हुआ सारा। उतना ही जितना उनको पहली दफा लगना है। देखो ना, जब आपको फंक्शन का ही नहीं पता तो आप क्या कर लोगे। ये पीजी एडमन, ये एसक्यूएलआईएस, ये थोड़ी मुश्किल है। ये बोंगोस वगैरह आसान है, फायरबेस एडमन भी आसान है, और प्रिज्मा भी आसान है, और ड्रिजल भी एज कम्पेयर टू एसक्यूएलआईएस वगैरह से आसान है। हम बाकियों का भी देख लेते हैं, पीजी एडमन। अच्छा, ये पोस्टग्रेस के लिए पीजी। अब इसके डाउनलोड देखो और इसका साइज देखो, ना होने के बराबर है। अब एक तरफ हम प्रिज्मा यूज करें या ड्रिजल, और एक तरफ हम पीजी यूज करें, कितना फर्क आ गया, बहुत ज्यादा। तो अब यहां पे एक्चुअल में ना बड़ा वो सिचुएशन बन जाती है, खास तौर पे मुझे भी मुश्किल होता है डिसीजन लेना कि यार किसके साथ जाऊं, लेकिन फिर लेना तो पड़ता है डिसीजन। कोड का लेकिन ये परफॉर्मेंस भी तो बढ़ेगी ना। अब प्रिज्मा ने पहले ये एक चेक तो लगाना है ना डेटाबेस कौन सी है, फिर उस डेटाबेस के अंदर फंक्शन तो सेम ही है, उसी फंक्शन के अंदर उसने 12 कंडीशन लगाई होंगी क्योंकि 12 लाइब्रेरी को वो सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हर एक में उसने कंडीशन ऐड की है हर फंक्शन में, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब बात तुम्हें समझी हो ना। देखो वो कह रहा है कि प्रिज्मा कह रहा है कि प्रिज्मा डॉट क्रिएट का फंक्शन है जो क्या करेगा, डेटा क्रिएट कर देगा डेटाबेस में। अब ये पोस्टग्रेस के लिए भी सेम है, ये 12 के लिए सेम है। अब उसने फंक्शन चला, उस फंक्शन की बॉडी में उसने 12 कंडीशन लगा ली है,
अच्छा वो बैकग्राउंड में ये भी लेदर लेदर यूज कर रहा है आगे, वो कंडीशनलाइज कर दिया उसने सिस्टम सिस्टम को सारा, इसीलिए तो उसका साइज ज्यादा है। हाँ कंडीशन को टाइम वो थोड़ा सा इंक्रीज, मतलब मिली सेकेंड हो रहा है या जितना भी हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। लेकिन एज कंपेयर टू हम अगर सिंगलर ओ आर एम में जाए तो वो हमारा फायदा ज्यादा। इट्स डिपेंड्स ऑन, फिर हमें और भी बहुत सारी चीजें अभी करनी है, लेकिन मैंने आपको सारा ड्रा करके देख दिया है, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कंसेप्ट जिस तरह मैंने क्लियर करवाए हैं, इसके बाद आपको परेशानी हो, सिर्फ हमें बिल्कुल क्या करना है, ओरएम इंस्टॉल करना है, उसके फंक्शन एक्सप्लोर करने हैं, कॉल कर देना, डेट सेट। अब हर ओरएम में ना दो चीजें होती हैं जब भी हमें इसको सीखना है, जिस तरह मैंने बोल दिया था, हर सीएस की लाइब्रेरी में दो चीजें सीखते हैं, एक तो क्लासेस, एक लेआउट, दूसरा उसकी क्लासेस। अब हर ओरएम में दो चीजें सीखनी है, एक डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाना है, और दूसरा उसके क्रेड के फंक्शन क्या हो। कनेक्शन मतलब पहले कनेक्शन करेंगे, रापता करेंगे, तो बाद बाकी के फंक्शन चलेंगे। ये देखो ना, किस डेटाबेस से बात करनी है बताएंगे, कोई अता पता देना चाहिए ना। जिस तरह फ्रंट एंड के कोड ने बैक एंड से बात करनी है, भाई लोकल होस्ट 3000 कौन सा राउट, कुछ तो बताते हैं ना। इस तरह बैक एंड के कोड ने डेटाबेस से बात करनी है, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, भाई कौन सा यूआरएल, कौन सी पोर्ट, कौन सी बातचीत करनी है। सही है ये चीज। तो यहां तक अभी आप लोग हम आ गए हैं, ये ओवर है, मैंने आपके सामने सारे ड्रा करके रख दिए हैं, पीजी एडमिन भी देख लिया है, एसक्यूएलआईज भी देख लें, उसके स्पेलिंग कुछ ज्यादा ही मैंने गलत कर दिए थे। चलो समझ तो आ गई है, इसको देखिए एसक्यूएलआईज, ये भी मल्टीपल को सपोर्ट करती है, जैसे पोस्टग्रेस को, MySQL को, काफी ज्यादा को ये भी कर रही है एसक्यूएलआईज भी, लेकिन ये भी ड्रेजल की तरह ही है तकरीबन। लेकिन प्रिज्मा इन सबसे भिन्न है। लेट्स सपोज अगर ये एसक्यूएलआईज और ड्रिजल वगैरह है, ये सिर्फ एसक्यूएल वालों को सपोर्ट कर रही है, प्रिज्मा का तो मजा ही अलग है ना, वो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों को सपोर्ट करते जा रहा है। ज्यादातर ऐसे ओआरएम्स हैं जो एक कैटेगरी, जो मेजर दो बड़ी कैटेगरी है ना, कौन कौन सी, एसक्यूएल नो। कुछ ओआरएम्स हैं जो नो एसक्यूएल की सारी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ओआरएम्स हैं जो एसक्यूएल की सारी को सपोर्ट करते हैं, जैसे एसक्यूएलआईज है। सही है, लेकिन उसका जो है वो अपना प्रिज्मा जो है उसने बहुत ज्यादा काम किया ना, उसने दोनों को दे दिया मुझे। एसक्यूएलआईज का भी साइज कम है, और ये तीनों को कर रही है ना, पोस्टग्रेस तीन चार को कर रही है। अच्छा आप तो एक चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, फायरबेस एडमिन भी देख ले, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसी को मसला मिसाइल यहां तक। अच्छा जब भी हम अब कोई भी ओरएम देखने जाएंगे, और पहला काम आपने याद रखना है, ओरएम का काम है बैकएंड के कोड को बात करवानी। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट डायरेक्टली बातचीत कर ले, ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली डेटाबेस से बात करे, ये नहीं पॉसिबल, ये कांटा है यहां पे, ये नहीं हो सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। सिर्फ बैकएंड का कोड डेटाबेस से बात कर सकता है, फ्रंट एंड का नहीं कर सकता। सही है, यूज क्लाइंट लगा दिया तो फिर बैकएंड से बात, डेटाबेस से बात, अगर यूज क्लाइंट नहीं लगाया तो फिर बात कर सकते हैं, फिर तो वो सर्वर ही है ना। अच्छा अब बैकएंड के कोड में बात यूज करनी है तो ओआरएम चाहिए, ओआरएम ढूंढने जाते हैं तो बहुत सारे निकल आते हैं। अब उस ओआरएम के अंदर से हर लाइब्रेरी का अपना अपना ओआरएम भी है, और कुछ कॉमन ओआरएम भी हैं जो मल्टीपल डेटाबेसेस को सपोर्ट करते हैं, जिसमें प्रिज्म एंड ड्रिजल एंड सो ऑन। सही है। अच्छा अब अगर हम ट्रेंड देखें तो इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। ड्रिजल का अगर देखें ना, इस इंक्रीजिंग अलॉट, ये ऐसे ग्राफ लग रहा है कि ये बहुत ऊपर जाएगा, तो यानी कि चूंकि, लेकिन इसका ये है कि ये पोस्टग्रेस और MySQL और एसक्यूएल लाइट को सपोर्ट कर रही है, तो अगर हमें पोस्टग्रेस में काम करना है तो फिर हम ड्रिजल में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ इज शोइंग समथिंग इंटरेस्टिंग।
और भी चीजें ऐड करें, और SQLize का भी देखें वो ऑलमोस्ट कम ही हो रहा है ग्राफ, और बाकी जो है पीजी एडमन देखें तो वो भी ऑलमोस्ट स्टैटिक। तो SQL वाली सारी डेटाबेसिस में अगर देखें ना, तो ये प्रिज्मा और ड्रिजल, ड्रिजल देखो सबसे ऊपर को जा रहा है, प्रिज्मा SQLize कांस्टेंट है, पीजी भी तकरीबन कांस्टेंट है, पीजी के डाउनलोड अच्छे हैं देखो कितने हैं, और प्रिज्मा में देखो ये भी तकरीबन थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे आ जा रहा है, लेकिन ड्रिजल जो है उसका ग्राफ जो है वो अब ये देखो, ये थोड़ी देर पहले 2022 में बिल्कुल ही थोड़ा थे, लेकिन ये 2023 में फेमस हो रहे, तो हम 2023 के हिसाब से चलते हैं फिर ज्यादा अच्छा सिस्टम होगा। तो ड्रिजल यूज करेंगे, अगर पोस्टग्रेस यूज करेंगे तो ड्रिजल यूज करेंगे, और स्टिल मेरा दिल करता है प्रिज्मा की तरफ, क्योंकि ये जो है ना मजा है इसमें, मजा ये है कि जो मर्जी करते रहो, जो उनसी मर्जी, सेम फंक्शन सेम चीजें, जिधर मर्जी घूमते रहो, आजादी। हाँ एक दो दफा हुआ है, एक दो दफा हुआ है चेंज, वो हुआ क्यों था, वो कॉस्ट की वजह से हुआ था, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ था, हम यूज कर रहे थे AWS की अरोरा DB, पुरानी बात है 2020 वगैरह की, उसमें अरोरा DB में क्या है कि वो AWS की है, और AWS उसको एज अ सर्विस देता है, तो उसके चार्ज करता है पैसे, तो जब वो डाटा बहुत ज्यादा हो रहा था तो वो अच्छी खासी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में कॉस्ट कर रहा था, तो फिर क्लाइंट कहता है कि ये इसको खत्म करें कॉस्ट को, तो खत्म करने के लिए फिर डेटाबेस चेंज की थी, सही है, क्योंकि दूसरी डेटाबेसिस में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। अभी हमें इस तरफ नहीं अभी आए हम, कि हमने एक चीज इंटरेस्टिंग है अभी वो रहती है इसमें, वो मैं आगे ग्राफ बनाऊंगा इधर, कि अभी डेटाबेस मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि रनिंग फॉर्मेट में, अभी डेटाबेस को कल एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है भाई, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना और उसको रन नहीं करना, फिर ही चलेगा वो, जिस तरह वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, यानी कि ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना, उसको चलाना नहीं है, तो सॉफ्टवेयर किस में चलते हैं, मशीन में या लैपटॉप में चलेंगे या पीसी में चलेंगे, या फिर ज्यादा बेहतर है सर्वर में चले, बड़ी मशीन, तो इसका मतलब है कि इसको इंस्टॉल करके बड़ी मशीन में चलाना भी है, ये सॉफ्टवेयर तो इंटरनेट पे पड़े हैं, बात समझ रहे हो, कि जो डेटाबेसिस के सॉफ्टवेयर है ये इंटरनेट पे पड़े हैं, इनको डाउनलोड करके इनको मशीन में रन भी करना है, जिस तरह फोटोशॉप को इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सही है, जब ये रन हो जाएगा, और हर जब डेटाबेस रन होती है उसका एक अपना सर्वर का यूआरएल बनता है, अपनी पोर्ट होती है उसकी, हर डेटाबेस की अपनी पोर्ट होती है, सही है, यूनिक, फिर वो यूआरएल देन पोर्ट, मैं बोल रहा हूं कि हर ओआरएम ने दो काम करने हैं, कौन कौन से, कनेक्शन है ना क्रड, तो कनेक्शन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, डेटाबेस कहां चल रही है, उसका यूआरएल, आईपी, उसकी पोर्ट, वो तो, और फिर कनेक्शन बनेगा, फिर बाकी ये क्रड चलेगा, तो अभी हमने डेटाबेस को ज्यूम कर रहे हैं ये ऑलरेडी रनिंग फॉर्मेट, एक बार चलता है नहीं वो नेक्स्ट जेएस के अंदर ये फीचर्स हमें मैन्युअली करने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जिन ओएमएस के साथ चल रही है उनके साथ ही चल रही है, नेक्स्ट जेएस डीजल के साथ चल रही है उसके अंदर अब वो दे रही है कैशे वगैरह सारी चीजें, सही है, फिर थोड़ी मैनेजमेंट खुद से भी करनी पड़ेगी, मैंने कभी देखा नहीं, शायद इसका सोल्यूशन आ गया हो, सर्च कर लेते हैं नेक्स्ट जेएस प्रिज्मा कैशे, ये कुछ बात कर रहे हैं इधर, तो कोई ना कोई सलूशन तो होगा यहां से, ये सेम क्वेश्चन कर रहा है, तो इधर लोगों ने बातचीत की होगी, तो अभी इतना ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत कम ही है कुछ लोग दे रहे हैं, फिर नहीं लगेगा डेफिनेटली, लेकिन फर्स्ट टाइम तो लगेगा ना, बिल्ड टाइम पे,
लेकिन जो हम ये वाला कोड कर रहे हैं ना, ये नॉर्मली स्टैटिक डाटा नहीं है। वो स्टैटिक के लिए तो हम वो यूज करेंगे ना, क्या वाला, सीएमएस। तो ये तो डायनामिक डाटा है, जैसे पोस्टें क्रिएट हो रही हैं, लाइक हो रहे हैं, कमेंट हो रहे हैं, इसमें हमें कैसे नहीं करना। देखो ना, अगर मैं लाइक्स को कैसे कर दूं, उधर से 100 लाइक और हो जाए, मेरा तो कैसे ही आ रहा है। तो इन इन डेटा को हम कैसे नहीं करते होते, मतलब वो स्टैटिक डेटा कैसे करते होते हैं ना, जो डेटा कभी नहीं चेंज होना। हम तो ऐसा डेटा डेटा वाली एप्लीकेशन बना रही है जो बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही, जैसे स्पोर्ट की एप्लीकेशन है ESPN, सॉरी क्या नाम है उसका। अब इसके ऊपर रियल टाइम कितना डाटा आ रहा है, ये क्या है, ये नीचे है ना। अब ये डाटा बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, अगर इसको कैसे कर ले, ये तो अपडेट ही नहीं होगा, मसला है। तो फिर ये वाले डाटा को नहीं हम कैसे करते। अब हम इस तरह की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं ना, डाटा एक्सटेंसिव डाटा वाली। जब कैसे नहीं करेंगे तो एवरी टाइम टाइम तो लेगा ना। यहां तक ओआरएम क्या है, कौन कौन से ओआरएम्स होते हैं, कैसे चलते हैं, इस पिक्चर तक किसी को प्रॉब्लम। अब हम किसी एक ओआरएम को पकड़ लेंगे, प्रिज्मा बारी बारी दो तीन को कर लेंगे, प्रैक्टिस ही करनी है। तो एक ओआरएम को पकड़ेंगे, साथ में डेटाबेस को पकड़ेंगे, उसी के रिलेटेड ओआरएम को पकड़ेंगे। सबसे पहले डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को चलाएंगे ताकि उसका यूआरएल बने, वो यूआरएल देंगे ओआरएम को ताकि वो कनेक्शन बनाए। जब वो कनेक्शन बना लेगा फिर हम उसके ऊपर करंट अप्लाई करेंगे। अब फिर जो वो करंट अप्लाई का होगा, जो डेटाबेस में डाटा सेव होगा, वो परमानेंट होगा। इसी वजह से डेटाबेस यूज कर रहे हैं ना, ताकि वो परमानेंटली स्टोर हो डाटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, इश्यू नहीं है? ओआरएम ऑल गुड।